Hello everyone, myself Shweta. I'm working here in JR Compliance as Manager Operations and Sales. Today, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है GST. GST रजिस्ट्रेशन क्या होता है एंड GST रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहिए, या फिर कई लोगों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि GST रजिस्ट्रेशन हम लोगों पे अप्लाई नहीं होता है. तो हम लोग ये मैं आज आपको ये आंसर करने वाली हूँ कि आप लोगों को जो GST रजिस्ट्रेशन कराना है वो क्या होता है, उसमें क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं. ओके, सबसे पहले तो GST होता क्या है. GST आपको पता है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. चाहे हम कोई भी गुड्स सेल कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी सर्विसेज के बिजनेस में हैं, हम लोगों को GST रजिस्ट्रेशन कराना होता है. जो टैक्स होता है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, राइट. तो उसको आप चाहे कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं या कोई भी किसी भी तरीके का आप कोई भी कंपनी रन कर रहे हैं, आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है. एंड GST रजिस्ट्रेशन किन किन बिजनेसेस पे अप्लाई होता है. सबसे पहले तो हम टर्नओवर के बेसिस पे डिस्कस करेंगे. टर्नओवर के बेसिस पे हम बात करेंगे तो जो लोग गुड्स में डील करते हैं, उनको गुड्स का सप्लाई करते हैं, उनको उनका टर्नओवर फाइनेंशियल किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 40 लाख के आसपास उनको एक्सपेक्टेड है कि वो रहेगा, तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए. एंड दूसरी तरफ जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका एटलीस्ट मिनिमम जो टर्नओवर होता है फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेक्टेड, दैट शुड बी अराउंड 20 लाख. तो अगर 20 लाख अगर आपको लगता है कि इट शुड बी एक्सपेक्टेड, आप मंथली सेल्स के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर वो आपको लगता है उतना हो रहा है तो आपको वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया टर्नओवर के बेसिस पे. सेकेंड पॉइंट होता है कि कुछ कैटेगराइजेशन होते हैं बिजनेस के हिसाब से. लाइक अगर सपोज आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आप ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने गुड्स को सप्लाई करते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके का सपोज कुछ ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो किसी भी तरीके के बिजनेस में जहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, आपके जो क्लाइंट है वो आपको ऑनलाइन के थ्रू मिल रहे हैं, वहाँ पे भी GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है. वहाँ पे आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, राइट. एंड थर्ड कैटेगरी होती है कि सपोज आप कोई NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, एंड आपका जो सप्लाई है वो इंडिया के किसी भी स्टेट में अगर आप सप्लाई कर रहे हैं अपने गुड्स को, तो उस केस में भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका GST रजिस्ट्रेशन आप उसमें एनरोल करें, उसको मैंडेटरी होता है. एक दो कैटेगरीज और होती हैं. लाइक सपोज अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और आपका आप उस प्लेस पे फिक्स नहीं है, आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो फिक्स नहीं है, आपका मल्टीपल स्टेट्स में आपका डीलिंग है, इंटर स्टेट्स में है, अलग अलग स्टेट्स में अगर आपको सपोज सप्लाई जाता है, तो उस केस के अंदर भी आपका जो GST है वो आपको करवाना होता है. एंड एक चीज़ और होती है कि सपोज आप जो भी है वो आप जो आप टैक्स पे करते हैं वो रिवर्स चार्ज के अंदर आता है. रिवर्स चार्ज क्या होता है. रिवर्स चार्ज होता है कि सपोज आप डायरेक्टली GST पे नहीं कर रहे हैं, बट आप जिनको अपने गुड्स सप्लाई कर रहे हैं वो पार्टी आपकी, उन्होंने GST में रजिस्टर करवा रखा है, तो इस केस में भी GST रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा. तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि बेसिक कंडीशंस हैं. जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप इस बेसिस के हिसाब से अपना GST रजिस्ट्रेशन के लिए एनरोल कर सकते हैं. एनरोलमेंट करने के लिए बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. सपोज अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो आपके इंडिविजुअल आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी, फोटोग्राफ, आपका बिजनेस का क्या नेम आपको रखना है वो नेम, प्लस आपकी क्या क्या बिजनेस की एक्टिविटीज रहेंगी, ये सब डिटेल्स आपको शेयर करनी होती है. एंड सपोज आपकी कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या आप कोई LLP रन करते हैं, उस केस में आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हमें फर्निश करने होते हैं. कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आप देंगे, और एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉपी या कोई भी यूटिलिटी बिल का कॉपी आप साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देंगे. ये सब डॉक्यूमेंट्स आप हमें प्रोवाइड करेंगे. एंड अगेन कंपनी के केस में भी हम आपको 7 to 10 days में आपको GST रजिस्ट्रेशन करवा के हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट. सो अगर इसके अलावा भी अगर आपको लगता है आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कुछ और भी जानना है, तो आप GST के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं. अगेन नंबर्स, हमारे जो नंबर्स हैं और हमारा ईमेल आईडी है वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.